हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। खबर जिला रेवाड़ी के विधानसभा क्षेत्र बावल में अवैध अतिक्रमण व रोड जाम से लोग परेशान। थाना प्रभारी बावल के पास पहुंच समस्या का निदान कराने की मांग की। आपको बता दें कि बावल में कुछ समय पूर्व SDM बावल संजीव कुमार द्वारा रेहड़ियों को बावल के पुराने बस स्टैंड पर शिफ्ट किया गया था ताकि आने जाने वाले लोगों को निजात मिल सके, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की वजह से इन्हें वापस यही लगवा दिया गया है। आपको बता दें कि लोगों को बावल के बाजारों के बीच में से निकलकर बाहर जाना पड़ता है। दुकानदारों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण व एक साइड लगाई गई रेयों के कारण अक्सर बावल में जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी के चलते कुछ दिन पूर्व बावल प्रशासन द्वारा रेयों को पुराने बस स्टैंड पर खाली पड़ी जगह पर शिफ्ट किया गया था। साथ ही दुकानदारों से अपील की गई थी कि वह अपनी दुकान के बाहर सामान ना लगाए। अब लोगों को फिर से वही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज कुछ लोग बावल थाना प्रभारी सैयद खान से मिले और उनसे रोड पर लग रहे जाम से छुटकारा दिलाने की मांग की। साथ ही लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए नगर पालिका चुनाव के चलते हैं इन रेडियो को वापस यहां लगा दिया गया है। रहती है और आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर किसी को एम्बुलेंस भी ले जानी पड़े तो यहाँ पे 20 मिनट लग जाती है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता। और हमारे यहाँ के जो प्रशासन ने बड़ी अच्छी पहल करी थी और हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये जो ज़्यादातर जो आक्रमण चल रही थी ये रेहड़ियाँ बस स्टैंड में लगवा दी थी। इससे सारा समाज और सारे बावल के निवासी खुश थे, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की वजह से वापस रेहड़ी लगा दी गई। राजनीति दबाव की वजह से यहाँ पर वापस रेहड़ी आ गई, जिससे कि पूरे बावल में भी परेशानी बनी हुई है और बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी परेशानी बनी हुई है। और में जो भी समस्याएं लोगों की हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो या नशे की हो, उन सब पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि पुलिस व समाज के मौजूद लोग मिलकर काम करें और समाज में और पूरे एरिया में शांति की स्थापना हो। सर, एक शहर के अंदर जाम की इस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। जो भी आपकी नज़र में भी या किसी आम आदमी की कंप्लेंट आएगी और हम अपने सोर्सेज से भी सारे चीज़ें लगाएंगे और जो भी नशे के कारोबार में या जाम के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि शहर को जाम मुक्त करें।